क्या हाल चाल है आप लोगों के? अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सभी? जल्दी से बता दीजिए। बढ़िया है सभी एकदम। चलिए दोस्तों, एक कैसे हैं सभी आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों दोपहर के 1 बज चुके हैं, सभी आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए जिससे आपके पास में दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और आपको जैसा पता है एसएससी के नए बैचेस सीजीएल सीएचएसएल 11 जनवरी से स्टार्ट हुए थे, तो आप लोग अभी भी देख सकते हो दोस्तों, आपको रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिल जाएगा। जो जो कोर्सेज हो चुके हैं, जो कोर्सेज चल रहे हैं, वो तो आप लोग लाइव देख ही पाओगे। 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, हर वीक 30 से ज्यादा नए बैच आपके चालू होते हैं, तो 12 महीने का 6,500 है दोस्तों। नीरज 11 लगाओगे तो 5,850 रुपए का पड़ जाएगा ये। अगर दोस्तों रेलवे का चाहते हो तो रेलवे की प्राइस कम हो चुकी है दोस्तों, बेस्ट 2 साल का लेके रख लो, 3600 रुपए का है। नीरज 11 लगाओगे तो कितने का पड़ जाएगा? 3240 रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों सुबह 9:30 बजे आप लोग की वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे भी क्लास होती है, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको मिस ना करें। आप लोग होता है ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस है और आपका ज्यादा समय बचा नहीं है दोस्तों, 1 फरवरी और मार्च बचा है, 2 महीने बचा है खींच के आपके पास में, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास नंबर 61। अब बताओ आप कुछ बात कर लेता हूँ, मैं आज बहुत दिन हो गए आपसे बात करे हुए मेरे को, है ना। आज थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, 2-5 मिनट। बताओ सर, जीके का एनालिसिस करवा दो। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका दोस्तों। आपको पता है मैं आपको जीके का एनालिसिस करवा भी रहा था, लेकिन पिछले 4-5 दिन से नहीं हुआ। अब इसका कारण आप लोग सभी जानते हो, मेरी तबीयत सही नहीं थी। अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, वापस आप लोग सुनिए, क्योंकि देखिए जीके और जीएस के जो क्वेश्चन मिला के दोस्तों हर सेट में 34-35 क्वेश्चन हो जाते हैं, आप लोग जानते हैं ना, 34-35 क्वेश्चन हो जाते हैं। अरे हाँ या नहीं? और दोस्तों मेरी वो आदत नहीं है, आप लोगों को देखे होंगे कि एक क्वेश्चन डाला उसके आगे बस सॉल्यूशन लिख दिया। आप देखते होंगे मैं जब पीपीटी बनाता हूँ ना, उस हर क्वेश्चन का एक एक बढ़िया प्रॉपर इमेज लगाता हूँ वो, और दोस्तों उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं दोनों शिफ्ट कर आपको 11:30 बजे कराता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा दिन उसमें चला जाता है, ठीक है। और फिर वो अभी तबीयत से नहीं थी तो मैं कर नहीं पा रहा, फिर वो मिस हो रहा है वो, मतलब 2-4 दिन से। तो सिंपल सी बात है, अभी मैं मतलब आज से वापस कंटिन्यू करूंगा, तबीयत थोड़ी सही हुई है तो मैं पहले दोस्तों भी साइंस और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आए हैं पहले मैं उस पे इम्फेसाइज करूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको जीके के क्वेश्चंस तो देखो मैं आपको पढ़ाने के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज करी नहीं, सुबह 9:30 बजे क्लास चल रही है, वेल चल रही है, लेकिन आपको एनालिसिस के क्वेश्चन तो कहीं से मिल जाता है, यहाँ से उठा लिया वहां से उठा लिया, ठीक है। तो मतलब मैं पहले चाह रहा हूँ मैं वो वाली चीजें पूरी करूँ दोस्तों जो आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्लास हो 9:30 बजे, और जो अभी तक जितने भी 4-5 दिन के शिफ्ट में जो मैंने मिस करे ना, तो जो क्वेश्चन आए उनका एक साथ मैं आज आपको एनर्जी डाल दूंगा साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उसके जीके के चक्कर में फिर साइंस के भी नहीं कर पा रहा हूँ, कि देखो मुझे मैं ऐसे नहीं कर सकता कि सबसे बड़ी नदी कौन सी, इसके आगे आंसर लिख दिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है उसका आंसर लिख दिया, फिर मेरे से क्या फील नहीं आता मेरे को, है ना। जब तक मैं 2-4 इमेज नहीं लगाता ना, मेरे को लगता है यार कि फिर क्या फील है यार, समझ रहे हो आप। तो मैं आप लोगों को कंप्यूटर और साइंस के एनालिसिस करवा दूंगा आज से आपको, है ना। अभी जो पिछले 4-5 दिन से मैं नहीं डाल पाया था, 4-5 दिन का मैं एक साथ आज रात को 11:30 बजे एनालिसिस करवा दूंगा, समझ गए दोस्तों। आज रात को 11:30 बजे एनालिसिस करवा दूंगा जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के साइंस के और कंप्यूटर के, समझ गए, ठीक है। हाँ, और दोस्तों ग्रुप डी का तो चल ही रहा है ना, सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पे चल रहा है और 1 बजे आप लोग की फ्री स्पेशल क्लास चल रही है। और मैं एक सोच रहा हूँ दोस्तों कंप्लीट कोर्स भी मैं ले आऊँ आप लोग के लिए, थ्योरी कोर्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने प्रॉमिस किया था अब रेट बिल्कुल कम हो चुकी है, तो जो बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट है, क्योंकि 25 मार्क्स का मामला है ना, 25 नंबर का, तो वो मैं उसके लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलो आ जाओ स्टार्ट करें दोस्तों आज की क्लास, ठीक है। हाँ भैया विक्रम जी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, परेशान मत हो, ठीक है विक्रम जी, ओके। चलो तो आपके सामने दोस्तों इस टेस्ट के मैं रूल बता देता हूं, आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आएगा, 4 आप लोगों के ऑप्शंस आएंगे, और जो भी आप लोगों को लगता है कि ये राइट आंसर होना चाहिए उस पे आप लोग दोस्तों क्लिक कर देंगे। जब पूरे 35 क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा, कि आप लोगों की ये रैंक आई है, आप लोग बता देंगे कि है ना सर मेरी 2500 रैंक आई है, 2800 रैंक आई है, ठीक है। तो स्टार्ट करें,
तो चैट्स में बंद कर रहा हूं। लास्ट में दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूं 10 से 15 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट में चैट्स खोल के रखूंगा, तो आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी क्वेरी हो, वो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है? जो भी मन में क्वेरी हो वो आप लोग मुझसे पूछ लेना। अभी हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों? जो भी आपके मन में इच्छा हो, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, कोई आपकी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, कुछ एनालिसिस से रिलेटेड डाउट है, जो भी है ना, आप लोग मुझे लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलो दोस्तों अभी मैं कर रहा हूं चैट्स बंद। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शंस आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड मिलेंगे और पूरे 35 क्वेश्चंस के बाद में मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों? चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए कैडमियम हो गया ना, तो देखिए आप लोगों से पूछा गया है कैडमियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो बहुत से दोस्त लगते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, कैडमियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कैडमियम नाइट्रेट का यूज क्या होता है, तो दोस्तों इसका यूज होता है कांच पर यानी ग्लास पे कलर करने के लिए। इसका जो यूज होता है क्या होता है दोस्तों, ग्लास पे कलर करने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समझ गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर बताइए। दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है, आप लोगों को बोला जाता है ना सूरज की तरफ नहीं देखे वरना आप लोग अंधे हो सकते हो, बिल्कुल सही बात है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, जो हमारी ह्यूमन आई होती है ना, आप लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पर जो इनर लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, और जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। तो दोस्तों ये रेटिना आप लोगों का जल जाता है अगर आप लोग सूरज ग्रहण की तरफ, सूरज ग्रहण के समय अगर आप लोग सूरज को देखोगे। तो इसके पीछे क्या कारण है, उससे ज्यादा अमाउंट में क्या निकलता है दोस्तों, अल्ट्रा वॉलेट लाइट निकलती है जो आप लोगों को अंधा कर सकती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी को, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करी, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जाके यहां पर आप लोग पहुंचे, तो यहां से लेकर यहां तक की दोस्तों जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी अगर आप लोग बिल्कुल सीधा चलते हैं, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बताएंगे जल्दी से। तो देखिए आप लोगों से क्वेश्चन में पूछे जा रहा है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ डैश द्वारा करी जाती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। अब देखिए बात को आप लोग समझिए, आप लोग जो जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या वो सूर्य के प्रकाश में होता है क्या? बिल्कुल होता है। और दोस्तों सूर्य के कौन से प्रकाश में होता है? विजिबल लाइट में होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों जो तरंगे होती है बहुत तरीके की होती है, आप लोगों की रेडियो वेव्स भी होती है, माइक्रोवेव्स भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है, विजिबल भी होती है, अल्ट्रावायलेट भी होती है, एक्स रेज भी होती है, गामा रेज। इस विजिबल में कौन कौन से आते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी रेस का यूज करते हैं? इस विजिबल लाइट का यूज करते हैं। समझ में आ गया क्या? लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से ऐसे पूछा जा रहा है कि कुछ आप लोगों के ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो प्रकाश के अदृश्य भाग का यूज करते हैं। अदृश्य भाग का मतलब क्या है? इसके अलावा जो भी हो सकता है, इंफ्रारेड का यूज कर ले या फिर हो सकता है अल्ट्रावायलेट का यूज कर ले। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये इंफ्रारेड रेज होती है इससे भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं कहां पर पाए जाते हैं? ये गहरे समुद्र में 4,000 से 8,000 फीट पर पाए जाते हैं, जो इंफ्रारेड रेज से भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
आप लोगों से बोला जा रहा है कार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। किसका यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है दोस्तों? जो टूट कर आयन में बन जाए, जैसे आप लोग का सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो जब इसमें दोस्तों करंट पास होती है तो किस में टूट जाता है? एच प्लस, और एच एस ओ फोर माइनस में टूट जाता है। समझ में आ गया क्या? तो जो टूट के आयन्स में बन जाए उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फॉर्मूला क्या है इसका? H2SO4 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दूध को कुछ समय के लिए अगर आप लोग खुला रखोगे तो खट्टा हो जाता है ना ये, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए दूध में एक आप लोग की शुगर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज शुगर। और अगर आप लोग इसको खुले में रखोगे तो दोस्तों जो लैक्टोज शुगर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है। और ये काम कौन करता है? एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो किसकी वजह से दूध खट्टा हो रहा है दोस्तों? लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अच्छा देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से आप लोग इसको समझिए। एक बार मैं चैट्स खोल रहा हूं दोस्तों, मुझे बताएंगे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में, इसकी इसमें किस किस चीज की जरूरत होती है? तो कोई भी दोस्तों जो प्लांट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है वो एटमोस्फेयर से क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है क्या, और रूट से जड़ों से क्या लेता है? पानी लेता है। क्लियर है क्या? तो यही दो चीजें यूज होती है। आप लोग जानते हो, बिल्कुल जानते हो, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो इसकी पत्तियां होती है ना, पत्तियां, अरे इसकी जो लीव्स होती है ना, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इस छोटे छोटे छेद को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमेटा, यानी रंध्र। ध्यान रखेंगे दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है वो किसी से किससे करती है? इस स्ट्रोमेटा से ही करती है। पहली बात क्लियर है क्या? इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो छोटे छोटे छेद है ना, इससे एक काम और होता है। जो भी पौधों में एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन छेद के द्वारा उसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है, ट्रांसपिरेशन हो जाता है। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भी अतिरिक्त जल है वो भाप बन के, वो वाष्प बन के उड़ जाता है। समझ में आ गया क्या? अब दोस्तों बात यह आती है, डेजर्ट में, रेगिस्तान में क्या पानी की कमी है या पानी की अधिकता है? पानी की कमी है या अधिकता है? पानी की कमी है। अगर दोस्तों उन्होंने फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपने स्टोमेटा खोला, रंध्र खोला, तो रंध्र किसके लिए खोल रहा है वो? कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी जिससे फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। लेकिन दोस्तों इस छोटे छिद्र के खुलने के साथ में ही आपको पता है दोस्तों रेगिस्तान में तो ज्यादा गर्मी रहती है, वहां की जलवायु काफी गर्म होती है, तो क्या वाटर का वाष्पोजन के भी चांस रहेंगे क्या? ट्रांसपीरेशन के भी चांसेस रहेंगे क्या? उस वाटर का भाप भी बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या होता है, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि रात में अगर दोस्तों अपने छेदों को खोलेंगे भी ना जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करे, लेकिन दोस्तों रात के समय क्या रहती है? थोड़ी सी ठंड रहती है, जिसकी वजह से वो पानी आप लोगों का उड़ नहीं पाएगा। पानी की वैसे ही कमी होती है, तो उस पानी के लॉस को रोकने के लिए दोस्तों जो डेजर्ट होते हैं उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। समझ में आ गया क्या? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चैट्स कर देते हैं बंद, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। इनमें से आप लोगों को सही कथन चुनना है ना, मतलब कौन कौन सा सही है, तीन आप लोगों को स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताइए। देखिए आप लोगों को स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, बोला जा रहा था एसिड आर सॉर इन टेस्ट, यानी दोस्तों जो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं कि बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों ब्लू लिटमस को नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं कि बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर वन तो बिल्कुल सही है, मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट। तो ये वाला आप लोगों का तो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता।
नेक्स्ट बात करते हैं जो बेसिस आर बिटर यानी जो शार होते हैं वो कड़वे होते हैं, कि बिल्कुल सही है। और दोस्तों वो रेड लिटमस को क्या ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं क्या, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर टू, ये जो स्टेटमेंट टू है वो तो करेक्ट होना ही चाहिए। तो स्टेटमेंट टू को किस किस ऑप्शन ने करेक्ट करवा रखा है, इसने करवा रखा है, इसने करवा रखा है, इसने नहीं करवा रखा, तो ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों का नहीं हो सकता। तीसरा दिया हुआ है दोस्तों लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, क्या ये एक इंडिकेटर है क्या, बताइए दोस्तों क्या ये कुछ इंडिकेट कर रहा है क्या, बताएंगे मैं एक बार चैट्स खोल रहा हूं, चैट्स खोल रहा हूं, बताइए कुछ चीज इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये क्या कर रहा है, ये अम्ल और क्षार की उपस्थिति को इंडिकेट कर रहा है कि अम्ल उपस्थित है या नहीं है। अगर अम्ल उपस्थित होगा तो नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, तो हाँ ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये आपका स्टेटमेंट थ्री भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया कि दोस्तों ये जो लिटमस पेपर होता है वो कहां से प्राप्त होता है, तो लिटमस पेपर किससे मिलता है, ध्यान रखेंगे लाइकेन से मिलता है, किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चैट्स बिल्कुल कर देते हैं वापस बंद, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है जो पत्तियां होती है लीव्स, यहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहां पर जो वाटर प्रेजेंस होता है वो मिलके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन दोस्तों जो ग्लूकोज है क्या वो प्लांट का फूड है क्या, और दोस्तों जो भी आपकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हो रही है कहां पर हो रही है, पत्तियों में हो रही है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए क्या भोजन की जरूरत केवल और केवल पत्तियों को ही है क्या, नहीं दोस्तों पूरे प्लांट को है, तो भोजन को आप लोगों को क्या पूरे प्लांट में पहुंचाना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों ये जो भोजन का परिवहन होता है इसके लिए क्या वर्ड यूज करा जाता है, इसके लिए करा जाता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन हम लोग इसको बोलते हैं। बहुत दोस्त इसका आंसर ट्रांसपीरेशन बोल रहे हैं, वाष्पोज्जन बोल रहे हैं। दोस्तों वाष्पोज्जन तो क्या होता है, जो भी आपकी पत्तियां होती है ना इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है ना इन छेदों के द्वारा उनका क्या हो जाता है, वाष्पोज्जन हो जाता है, यानी दोस्तों वो वाष्प बन जाता है, वो आपका ट्रांसपीरेशन होता है। जबकि आप लोगों का जो भी फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बना उसको पूरे प्लांट में पहुंचाना ये क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया, हैंग कैसे हो रही है। दोस्तों एक बार ये हैंग हो रहा है, वेट करिए एक बार, मैं एक बार नेट चेंज कर रहा हूँ, वेट करिए ना, नेट चेंज कर रहा हूँ, वेट करिए एक बार, नेट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार नेट चेंज कर लिया था मैंने। चलो अब वापस आपकी चैट्स बंद रहेगी, आप लोग कंटिन्यू करिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। देखिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसकी कौन सी विशेषता सेल के अंदर और बाहर कुछ सामग्रियों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है, ठीक है। आप लोग सभी जानते हो दोस्तों जो सेल होता है इसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तों सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। इस सेल वॉल का काम क्या होता है दोस्तों, ये तो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा लाइट से, एक्स्ट्रा, दोस्तों एक बार आपसे चैट्स खोल ही लेता हूं एक बार ना, एक बार वेट करिए, कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है क्या। दोस्तों आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे दो मिनट के लिए कुछ बोल दूं। एक बार रुकिए, एक बार नेट वापिस चेंज करने दीजिए, वेट करिए। अब कुछ बोल लूं एक बार, एक मिनट के लिए कुछ बोल लूं। दोस्तों 20 दिन से मेरे साथ में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हर चीज में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं जब भी मैं क्लास लेने जाता हूं कभी दोस्तों नेट चला जा रहा है, कभी दोस्तों ये पेन टेप पे ये ससुराए काम करना ही बंद कर रहा है।
अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे साथ में इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, मतलब सही में ऐसा लगता है ना कि किसी ने, भैया कोई भूत बैठा है मेरे साथ में, तो सारी क्लासेस खराब कर रहा है। मतलब सच में ऐसी कंडीशंस हो रही है कि क्लास लेने जाता हूँ, कभी दोस्तों नेट चला जाता है उस टाइम पे, 20 दिन से प्रॉब्लम हो रही है। अब इसका एक ही सोल्यूशन है, या तो दोस्तों इस परिस्थिति से मैं हार जाऊं कि, है ना, या तो इन परिस्थितियों से हार जा रहे यार, ये नेट अपने टाइम में खराब चल रहा है, ग्रह खराब चल रहा है अपने ये। अब यार जब अपन को पता है कि अपने साथ में चल चीजें खराब हो रही है, तो दोस्तों पहले से आप लोग स्ट्रांग होकर रहिए ना। तो मैं तो भैया इसके लिए प्रिपेयर हूँ, मैं तो ये मान के चलता हूँ मेरी क्लास दिन में 10 बार बफरिंग करेगी, नेट भी आज आज ही नहीं आएगा नेट, बस मेरी क्लास के दौरान नहीं आएगा। आप लोगों को पता है जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर एक आवाज आती है ना, फिर मैं उसको जाके बंद करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है यूपीएस, ये दिन भर शांत रहता है, ये दिन भर शांत रहता है, बिल्कुल आराम से। देखो आज मैं इसकी फोटो दिखाई देता हूँ, इसके दर्शन करवाता हूँ। देखो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो वेट करिए, ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का दोस्तों ये है यूपीएस। ये दिन भर शांत रहता है, लेकिन जैसे ही मेरी क्लास स्टार्ट होती है भो करना स्टार्ट करता है, फिर उसको जाके मैं बंद करता हूँ। अब बताओ क्या करूँ इसका। ठीक है, तो यार थोड़ा सा वो आप भी एडजस्ट करिए, देखो मुझे भी अच्छा लगता है यार बार बार बीच में क्लास डिस्टर्ब होती है ना, तो थोड़ा सा आप लोग कर लिया करो, क्या दिक्कत है ना। ठीक है, अपन बस अपना लॉस नहीं होना चाहिए, परिस्थिति कितनी भी बुरी हो यार, अब हारना थोड़ी है यार, आप लोग के साथ में बेकार से बेकार चीज होगी, इसका अंदर थोड़ी हार के बैठ जाओ, फिर मतलब क्या आपका, है ना। तो कोई बात नहीं, एक दो बार बफरिंग हुई थी, इसके लिए मैं आपसे माफी जान लेता हूँ। चलो आप लोगों का दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, चैट्स कर देता हूँ बंद, इधर आता हूँ। देखिए दोस्तों, जो सेल की सबसे बाहरी सतह होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, इस सेल वॉल के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, या इसी को हम लोग दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सर इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी सेल में कुछ न्यूट्रिएंट है इंपॉर्टेंट, मान लीजिए प्रोटीन है, अब इस सेल की, इस प्रोटीन की आवश्यकता इस सेल में है, और दोस्तों ये क्या करेगा, इसको दूसरी सेल में जाने से रोकता है। तो ये काम कौन करता है कि न्यूट्रिएंट का एक सेल से दूसरे में जाने को अलाउ कौन करता है, ये रोकता कौन है, सेल मेम्ब्रेन रोकता है, और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दोस्तों जो रेंसिडिटी है, अब आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी दोस्तों, ये एक प्रकार की अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया, ये एक प्रकार का दोस्तों ऑक्सीडेशन ही, ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, आइए मैं समझाता हूँ दोस्तों। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रेंसिडिफिकेशन बोलते हैं। अब सर ये रेंसिडिफिकेशन क्या होता है, जब दोस्तों आप लोगों का फैट और ऑयल का जब ऑक्सीडेशन होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग रेंसिडिफिकेशन बोल देते हैं, समझ में आ गया। जो फैट होता है ना, वसा होता है, तेल होता है, जब आप लोग इसको खुले में रखोगे तो क्या इसका ऑक्सीकरण होगा, क्या बिल्कुल ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने की वजह से दोस्तों इनमें एक अलग ही प्रकार की गंध आ जाती है, एक अलग ही प्रकार का टेस्ट आ जाता है, समझ रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन। अब बस आप लोगों से पूछ लिया रेंसिडिटी क्या है या रेंसिडिफिकेशन क्या है, दोस्तों ये एक प्रकार की अभिक्रिया है, कौन सी है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। किसका ऑक्सीडेशन, फैट का या ऑयल का जब ऑक्सीडेशन होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिफिकेशन बोलते हैं, या रेंसिडिटी आप लोग बोल सकते हो। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों अगर मान लीजिए आप लोग अपच से पीड़ित हो, इनडाइजेशन से प्रॉब्लम हो, आपका डाइजेशन कब्जी मान लो एक तरीके से, अगर आप लोग इससे पीड़ित हो, तो आप लोग किस प्रकार की दवाई लेंगे, तो आप लोग लेते हैं दोस्तों एंटासिड। क्या लेते हैं, एंटासिड, ऑप्शन नंबर बी। भैया ये एंटासिड क्या करता है, तो एंटासिड एक पदार्थ है जो पेट की अम्लता को बेअसर करता है, और नाराजगी, अरे नाराजगी नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो ये आप लोग का इनडाइजेशन,
और जो भी आप लोग का स्टमक में कुछ अपसेट हो रहा है ना, मतलब कुछ भी आपका जो नॉर्मल प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो इसको क्या करता है दोस्तों, दूर करता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एंटासिड। अगर हम लोग बात करें आप लोगों से एनल जैसे क्या हो जाएगा, तो ये तो आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, ये तो पेन को कम करने के लिए दवा इस्तेमाल करी जाती है। ये एंटीसेप्टिक क्या होती है दोस्तों, ये बैक्टीरिया से जो भी आपका इंफेक्शन हुआ है उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक करते हैं। अगर बात करें दोस्तों कॉन्ट्रासेप्टिव, ये क्या होता है दोस्तों, ये प्रेगनेंसी के लिए ली जाती है ना, मतलब प्रेगनेंसी से बचने के लिए, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए आप लोगों से बोला जा रहा है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें विच हैव डैश ओनली एंड नो डैश आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप लोगों को स्केलर बनाना है, अदिश बनाना है, तो अदिश में क्या क्या होता है दोस्तों, अदिश में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप लोग का मास हो गया, द्रव्यमान कौन सी राशि है दोस्तों, ये एक अदिश राशि है। जैसे आप लोगों से पूछा मैं कितने किलो एप्पल लेकर आया, आप लोग बोलेंगे 4 किलो। क्या आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत है कि 4 किलो इधर, 4 किलो उधर, 4 किलो इधर, नहीं। तो आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताना होता है। इस प्रकार की राशियों को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आइए देखते हैं। तो देखो ध्यान रखें, ये आप लोगों की अर्थ की सरफेस है, पृथ्वी की सतह है। ये मान लीजिए दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, आर है। अगर आप लोगों को यहां पर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल एम क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। ये आर क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है। ये कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दोस्तों जब सारी वैल्यू आप लोग पुट करते हो, तो आप लोगों के पास में स्मॉल जी का मान कितना आता है, 9.8 आता है। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से 2R की दूरी पर, 2R की दूरी मतलब यहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो आप लोग दोस्तों सिंपली याद रखिए, एक फॉर्मूला होता है जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या है, आर आपके केंद्र से दूरी है, केंद्र से दूरी है। तो जब आप लोग आर दूरी पर गए, तो आप लोगों को यहां पर गुरुत्वीय त्वरण पता पड़ गया। अगर दोस्तों मैं यहां से आर ये 2R ये 3R दूरी पर जाऊंगा, तो मुझे यहां पर गुरुत्वीय त्वरण पता पड़ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए मैं क्या करूंगा, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम, और केंद्र से कितनी दूरी है, अब 3R हो गई, तो 3R का स्क्वायर कर दू। समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जी एम अपॉन 9R स्क्वायर। तो रुको, जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो पहले था, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो पहले था, अब कितना हो गया, अब 1/9 हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब भैया पहले जी एम अपॉन आर स्क्वायर को जी बोल रहे थे, तो अब जी एम अपॉन आर स्क्वायर जी 9। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कवक के लिए, फंगस के लिए अप्लाई नहीं होता, दे आर यूकैरियोटिक। दोस्तों क्या ये यूकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल सही। आपको पता है सेल दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है दोस्तों, जिसमें न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। तो क्या फंगस आपके यूकैरियोटिक होते हैं, क्या बिल्कुल होते हैं। दोस्तों दे आर हेटरोट्रॉफिक। देखो आपको पता है दो प्रकार के आपके जीव होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, स्वपोषी, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते होंगे, मतलब जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जिनमें आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, तो वो तो खुद तो फूड बना नहीं पाएंगे, वो किसी दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। तो ध्यान रखें आपके फंगस में क्या, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए ये आप लोगों के हेटरोट्रॉफिक है। तो ये बात भी सही है।
दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, मतलब कोई कोई फंगस होते हैं जो केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कोई कोई फंगस होते हैं जो एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ये भी सही है। दे पजेसेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल्यूलोजिक सेल वॉल, मतलब बोला जा रहा है कि दोस्तों इनकी जो सेल वॉल होती है ना, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है, प्योर सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सरासर दोस्तों गलत है। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है क्या कि फंगस की जो सेल वॉल होती है किससे मिलकर बनी होती है, किसकी बनी होती है? बहुत बढ़िया दोस्तों, ये काइटिन की बनी होती है, ना कि सेल्यूलोज की। तो आप लोग बोलेंगे फिर किस चीज की सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है? तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना दोस्तों, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, वो आपकी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि आप लोग के फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। समझ गए? चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे बताइए। तो सांप हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गए, मगरमच्छ हो गए, ये किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? ये आपके आते हैं रेप्टाइल्स में, सरीसृप में। सरीसृप में कौन से जीवों को आप लोग रखते हो जो कि रेंग रेंग के चलते हैं, जैसे आपके सांप हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोग मुझे बताएंगे, सबसे पहले समझते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है आपके पेरेंट्स से आप में कोई ना कोई गुण आते हैं, है ना? मान लीजिए आप लोगों के फादर है वो काफी गोरे हैं, तो आपका भी रंग दोस्तों काफी गोरा होगा। या फिर आप लोग मान लीजिए आपके फादर के बाल थोड़े से कर्ली है, तो आपके बाल भी थोड़े से कर्ली होंगे। तो वो किसकी वजह से आता है? कोई ना कोई तो चीज होगी जो आपके पेरेंट्स से आप में आ रही है। ये क्या आती है दोस्तों? डीएनए। तो डीएनए क्या हो गया? एक जेनेटिक सस्टेंस हो गया, एक आनुवंशिक पदार्थ हो गया। मतलब ये क्या काम कर रहा है? ये आनुवंशिकता का काम कर रहा है, ये आपका आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स में, मछली हो गई, कुत्ते हो गए, आपके ह्यूमंस हो गए, क्या सभी में जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए होता है कि नहीं? कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए नहीं होकर आरएनए होता है। तो आरएनए जेनेटिक सब्सटेंस किस में होता है दोस्तों? वायरस में होता है। अब आप लोग बोलेंगे क्या सभी वायरस में आरएनए होता है? क्या नहीं दोस्तों, मैक्सिमम वायरस में, सभी में जो जेनेटिक सब्सटेंस होता है आरएनए होता है, कुछ कुछ वायरस में आपके डीएनए भी होता है। तो जिन वायरस में जेनेटिक सब्सटेंस आरएनए होता है, ऐसे वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रेट्रो वायरस बोलते हैं। जैसे आप लोग का दोस्तों कोरोना का वायरस हो गया है, एचआईवी का वायरस हो गया है, सारे के सारे दोस्तों क्या है? रेट्रो वायरस है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन पे आओ। तो मोस्ट वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, मतलब आप लोग के अधिकांश है वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं या फिर दोस्तों ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करते हैं, उनमें क्या पाया जाता है दोस्तों? उनमें आरएनए पाया जाता है, पहली बात तो। अब दोस्तों आरएनए भी दो प्रकार के होते हैं, इसका स्ट्रक्चर या तो बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा या आप लोग का डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपके आरएनए का स्ट्रक्चर कौन सा पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये पाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम में एक डिजीज होती है, अगर पानी में नाइट्रेट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो दोस्तों ये क्या हो जाता है? आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट की वजह से। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इस डिजीज का दूसरा नाम क्या है? तो इस डिजीज का दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों आपका मैथेमोग्लोबिनिया, है ना? अब ये क्या होता है आप लोगों के, मैथेमोग्लोबिनामिया, ये क्या है आप लोगों का? अजीब सा नाम लग रहा है, आइए समझते हैं। दोस्तों आप लोग मुझे बताएं, आपके ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना? अरे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना?
अगर दोस्तों आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो इसी को ही हम लोग क्या बोल देंगे दोस्तों, मेथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, काफी बड़ा सा नाम है। तो अब बात आती है हीमोग्लोबिन की कमी से हुआ क्या। देखिए आपको पता है आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने साथ में। जैसे जैसे ब्लड फ्लो करेगा वो अपने साथ में ऑक्सीजन को भी बहाता है साथ में। तो अगर आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्या, बताइए, रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी क्या। और इसी डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडनल। देखिए ध्यान रखिए जो वेव्स होती है तरंगे दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ट्रांसवर्स। देखिए ट्रांसवर्स क्या होती है, जो इस प्रकार से जो वेव्स होती है ना, इस प्रकार से जो तरंगे होती है इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। देखिए दोस्तों इस प्रकार की तरंग आपको कब मिलेगी, इधर आओ। जैसे मान लीजिए ये एक आप लोगों का क्या है, पेड़ है, ये कोई दूसरा एक पेड़ है, इसके बीच में आप लोगों ने मान लीजिए क्या बांध दिया दोस्तों, रबड़ बांध दिया। अब आप लोग जैसे फिंगर से ऐसे करोगे तो क्या रबड़ में कुछ इस प्रकार से ऐसे तरंग देखने को मिलेगी क्या, बताओ, मिलेगी क्या। तो ध्यान रखिए दोस्तों तरंग की दिशा कौन सी है, तरंग की दिशा तो ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दूसरे पॉइंट पे जा रही है, ये तो तरंग की दिशा हो गई। लेकिन दोस्तों जो रबड़ था इसके पार्टिकल जो होंगे वो तो ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हैं ना, वो थोड़ी आगे जा रहे हैं, वो तो केवल ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर पार्टिकल की डायरेक्शन और तरंग की दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है तो इस प्रकार की तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव। लेकिन दोस्तों कुछ तरंग ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आप लोग की स्प्रिंग है, ये आप लोगों की स्प्रिंग है, आपने इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दिया तो कहीं पर ऐसा होगा क्या दोस्तों कि कहीं पर तो ऐसा फिर ऐसे 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 है ना, तो ऐसे। तो देखिए ये आप लोग के वेव की दिशा तो यही है लेकिन जो इसके पार्टिकल होंगे ना वो ऐसे ही कंप्रेस होंगे, इनकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो वेव की दिशा और पार्टिकल की डायरेक्शन अगर एक ही होती है तो इस प्रकार की वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। ये 5 मीटर की तरंग दैर्ध्य की लंबाई दे रखी है ना, ठीक है। तो देखो आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि आप लोगों को फ्रिक्वेंसी निकालनी है, साउंड वेव आपको दी हुई है जिसकी वेवलेंथ, जिसकी तरंग दैर्ध्य आपको 5 मीटर दी हुई है और उसकी स्पीड आप लोगों को 360 मीटर पर सेकंड दी हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे स्पीड क्या होता है आप लोगों का, फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्बडा, यानी चाल क्या होता है आप लोगों का, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तो चाल कितनी दे रखी है सर, 360 दे रखी है। फ्रीक्वेंसी आप लोगों को आवृत्ति कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी तो निकालना है। और लैम्बडा क्या होता है दोस्तों, वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य कितनी दे रखी है आप लोगों को, 5 मीटर दे दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा आप लोगों का, 360/5, और ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 72 के बराबर हो जाएगा। और आप लोग सभी जानते हो दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, उसको किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 72 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों जो जावा है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसने इसको इंट्रोड्यूस करा था, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों सन माइक्रो सिस्टम। इंट्रोड्यूस करने का मतलब है दोस्तों बनाया, तो किसने बनाया, सन माइक्रो सिस्टम ने। और अगर बात करें जावा क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की क्या है, लैंग्वेज है, एक प्रकार की क्या है दोस्तों, लैंग्वेज है। और इसको किसने बनाया, सन माइक्रो सिस्टम नामक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पेज साइज को आप लोग बदल सकते हो। जैसे होता है ना A4, A3 अलग अलग साइज होता है, और आप लोग दोस्तों मार्जिन, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का पेज है तो आप लोगों को नीचे कितना मार्जिन छोड़ना है। तो ये सारी की सारी दोस्तों जो चीजें डिसाइड होती है वो कहाँ से होती है, पेज लेआउट से होती है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया होगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है होम इनसेट के बारे में, पेज लेआउट। तो यहाँ पर पेज लेआउट से आप लोग कई चीजें चेंज कर सकते हो दोस्तों, पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ठीक है आप लोग दोस्तों ये देखो, ये अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, क्लियर है क्या? आप पेज का कलर हो गया, पेज का सेटअप, पूरी थीम वगैरह, मार्जिन कितना आप लोग को रखना है, तो सारी चीजें दोस्तों जो आप लोग सेट कर सकते हो, किससे कर सकते हो, पेज लेआउट से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज दी शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन। मतलब आप लोगों को दोस्तों एक कॉम्बिनेशन बताना है, जैसे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और क्या काम करना है आपको, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है अब इसका मतलब क्या, देखिए बात को समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कुछ भी एक लाइन लिख दी, जैसे मान लो ठीक है माई नेम इज, आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज राम। ठीक है और आपने दोस्तों यहां पर जो फॉन्ट यूज करे हैं वो मान लीजिए आप लोगों ने इटैलिक किया है, क्लियर है क्या? अब नीचे मान लीजिए आपने कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे लड़के लिख दिया माई नेम इज श्याम। ठीक है अब इसका जो फॉन्ट था वो अलग टाइप का था, मान लीजिए मंगल फॉन्ट था। आपको पता ना अलग अलग प्रकार के फॉन्ट आते हैं, मंगल आता है, देवनागरी आता है, एरियल आता है ना। तो ध्यान रखिए दोस्तों आपने जो ये फॉन्ट यूज करा था, अगर आप लोग चाहते हो इसमें भी मैं यही फॉन्ट अप्लाई करूं, तो आप लोग क्या करो दोस्तों, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाओगे तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो कॉपी हो जाएगा, बस इधर आके ऐसे कर दो तो ये भी ऊपर वाले फॉर्मेट की जैसा बन जाएगा। ठीक है तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, गुर्दे को, किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका कौन सी है। आप लोग सभी जानते हो दोस्तों हार्ट क्या करता है, आप लोगों का ब्लड को पंप करता है, और यहाँ से जो हार्ट से जो ब्लड जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाता है दोस्तों, लीवर में भी जाता है, किडनी में भी जाता है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों किडनी में जो ब्लड जा रहा है वो कौन सी ट्यूब से जा रहा है, वो आपकी जा रहा है रेनल आर्टरी से, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये हो गया आप लोग का हार्ट, इस हार्ट से दोस्तों क्या निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। देखिए ब्लड आप लोग, कुछ ब्लड जा रहा है दोस्तों लीवर में, कुछ आप लोग की किडनी में जा रहा है। देखिए किडनी में जो ब्लड लेके जा रहा है वो कौन सी आर्टरी लेके जा रही है, वो रेनल आर्टरी लेके जा रही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं लीवर में कौन सी आर्टरी है जो ब्लड को लेके जा रही है, वो हेपेटिक आर्टरी लेके जा रही है। समझ में आ गई बात को? और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए हेपेटिक आर्टरी कहां पर लेके जा रही है, तो ये आप लोगों के कहां पर लेके जा रही है, लीवर में लेके जा रही है। रेनल आर्टरी कहां पर लेके जाती है दोस्तों, किडनी में लेकर जा रही है। ठीक है अगर पूछा जाए कैरोटिड आर्टरी ये कहां पर लेके जाती है ब्लड, तो जो कैरोटिड आर्टरी होती है ये दोस्तों ब्रेन में, नेक में, फेस में, यानी आपके चेहरे में, गले में, मस्तिष्क में जो ब्लड लेके जाती है वो कौन सी आर्टरी लेके जाती है, कैरोटिड आर्टरी लेके जाती है। ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें इंग्लिश वाले देख लेना, इंग्लिश वाले ना, इंग्लिश वाले देख लेना आप। SMPS का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना। ध्यान रखेंगे आजकल बहुत फुल फॉर्म आ रही है भी NTPC में, रोज एक ना एक फुल फॉर्म आपको देखने को मिल रही है, तो SMPS के फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों को दोस्तों दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें आप लोगों को चुनना है, जो कॉलेरा होता है क्या वो एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है क्या, बिल्कुल सही है। दोस्तों जो एथलीट फुट होता है क्या वायरस से होने वाला रोग है क्या, नहीं दोस्तों ये तो एक फंगस से होता है, कवक से होने वाला रोग है। तो केवल और केवल दोस्तों स्टेटमेंट वन सही है, ओनली वन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। लाइट की इंटेंसिटी को आप लोग किससे मेजर करते हो? तो प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों किससे? ल्यूसीमीटर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा। अब बाकी के काम क्या है दोस्तों? बैरोमीटर आप लोग सभी जानते हो, वायुमंडलीय दाब मापता है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर क्रायोमीटर की बात करें, जो कि आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ ना क्रायोमीटर, और एक आपका हो जाएगा दोस्तों साइनोमीटर। ये क्यानो नहीं होगा दोस्तों, साइनो होगा ये ना, ये आपका सियानोमीटर भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे पता लगाएंगे कि यह सियानोमीटर क्या होता है? तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, सियान प्लस मीटर। ठीक है, अब सियान का मतलब क्या होता है दोस्तों? सियान एक कलर है आप लोग का, ब्लू सा कुछ कलर होता है ना, और मीटर का मतलब क्या होता है? नापना। तो दोस्तों ये आपका जो सियानोमीटर होता है, ये जो आप लोगों का समुद्र होता है इसका कितना नीलापन है उसको मेजर करने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो आइए मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। क्रायोमीटर तो क्या हो जाएगा, ये काफी वेरी लो टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का तापमान बहुत कम है तो उसको किससे मापा जाता है? क्रायोमीटर से नापा जाता है। ये एक प्रकार का थर्मोमीटर ही होता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों साइनोमीटर, तो किससे मिलकर बना है? सियान से और मीटर से। तो दोस्तों इट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस, मतलब कोई भी आप लोगों का ओशियन या कोई भी आप लोगों का दोस्तों स्काई है वो कितना नीला है उसको किससे मापा जाता है दोस्तों? आपके सियानोमीटर से नापा जाता है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है कम वोल्टेज पर चलने वाली बिजली की मोटर चलने लगती है, इसका कारण क्या है? देखिए आप लोग सभी जानते हो दोस्तों पावर क्या होता है, आपका V इंटू I। अब देखिए पावर की जो सप्लाई होती है ये क्या होती है आप लोगों की? कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब जैसे मुझे बताइए 4 × 3 बराबर मान लीजिए 12 है ना। अब आपको यहां पर 12 ही लेकर आना है। अगर मैं 4 से बढ़ा के दोस्तों 6 कर दूं तो आपको पता है इस 3 की जगह 2 करना पड़ेगा, तभी तो जाके 12 रह सकता है। तो अगर एक संख्या अगर आपकी बढ़ेगी तो दूसरी आपकी कम होगी, तभी जाके ये कांस्टेंट रह सकता है। तो दोस्तों पावर आपकी क्या है? कांस्टेंट है। वो पावर क्या होता है? वी इंटू आई। लेकिन अगर दोस्तों आपकी वोल्टेज कम है, जो कम वोल्टेज वाली जो मोटर है इसका वोल्टेज कम है, इसका मतलब इसमें करंट क्या होगी? ज्यादा पास होगी। तो दोस्तों जो आपकी कम वोल्टेज पे जो आप लोगों की मोटर चलती है वो जल जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट क्या होती है? ज्यादा चलती है, ज्यादा आप लोगों के पास करती है। तो दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, है ना, मतलब वो करंट को क्या करती है? इसमें से करंट ज्यादा निकलती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने वोल्टेज क्या है इसका? कम है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप लोगों से बोला दोस्तों पैराशूट जो होता है ना वो तो धीरे धीरे उतरता है, ठीक है, और जबकि उसी ऊंचाई से अगर आप लोग पत्थर गिरोगे तो वो आप लोग का फास्ट आता है। देखिए आपको पता है पैराशूट का क्या है, एरिया ज्यादा है। तो भैया जैसे मान लीजिए ये पैराशूट है आपका, एरिया ज्यादा है, तो दोस्तों एयर क्या करेगी? एयर ज्यादा फोर्स लगाएगी, क्योंकि ज्यादा एयर कॉन्टेक्ट में आ रही है उसके, जबकि पत्थर का एरिया बहुत कम होता है, मतलब जो एयर कॉन्टेक्ट में आएगी उसकी बहुत कम आएगी, तो एयर का रेजिस्टेंस उतना नहीं मिल पाएगा, जबकि पैराशूट को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा पार्ट है जो कि एयर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो अब पैराशूट हैज अ लार्जर सरफेस एरिया एंड एयर रेजिस्टेंस इज मोर, है ना, जिसकी वजह से दोस्तों वायु का प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। यही कारण होता है दोस्तों पत्थर के मुकाबले जो पैराशूट होता है वो आप लोगों का देरी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों जब बहुत सारे तारे दोस्तों आप लोगों के आपस में बंधे होते हैं, आपको होता है दो के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो इस पूरे के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। तो मानव शरीर के किस भाग में वसा पूरी तरीके से पचता है? तो आइए इधर देखो, यहां पर देखो देखो आप लोग जो भी भोजन लेते हो सबसे पहले माउथ में जाएगा, फिर आपका दोस्तों स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद में छोटी आंत में। तो छोटी आंत में दोस्तों आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, चाहे प्रोटीन का हो चाहे फैट का हो, सबका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है कहां पर होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कणों को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, डॉल्टन ने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल को डॉल्टन ने क्या नाम दिया दोस्तों? एटम नाम दिया। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो पॉलीकॉट होता है किसका मिक्सचर होता है? पॉलिस्टर का और कॉटन के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलीकॉट बोलते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीवीसी। तो जो पीवीसी होता है ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण होता है। देखिए प्लास्टिक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दोस्तों थर्मोसेटिंग, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसको बार बार गर्म करने पर उसकी शेप चेंज हो सकती है, और जिसकी शेप चेंज नहीं हो सकती उनको हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो पीवीसी आपका क्या होता है दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो देखिए आप लोगों को बताया दोस्तों अष्टक नियम, आप लोग सभी जानते होंगे न्यूलैंड का। इन्होंने क्या बताया था कि जितने भी आप लोगों के एलिमेंट्स हैं अगर आप लोग उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाओगे तो दोस्तों हर आठवां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले की जैसे होगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास में एलिमेंट्स थे तो सबको सजाया, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम रखा, लिथियम के बाद में बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसके बाद में दोस्तों जो एलिमेंट आया फ्लोरीन, हमने देखा उस फ्लोरीन की प्रॉपर्टी बिल्कुल हाइड्रोजन की जैसी है। इसके बाद में दोस्तों सोडियम आया, हमने देखा दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी लिथियम की जैसे है, लेकिन ये ज्यादा काम नहीं कर पाया। कहां तक काम कर पाया? केवल और केवल कैल्शियम तक ये काम कर पाया था। ये समझ में आ गया? तो कौन सा पालन नहीं करता है? देखो लिथियम सोडियम कर रहा है क्या? लिथियम सोडियम बिल्कुल कर रहा है। बात करते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम कर रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। कार्बन सिलिकॉन बिल्कुल कर रहा है क्या दोस्तों? आपका मैग्नीज और मरकरी कर रहा है कि नहीं? ये नहीं करता है पालन। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो दोस्तों आप लोग को चैट्स खोल देता हूं मैं, आप लोग को रैंक भी बता देता हूं, आप लोग अपनी रैंक देख सकते हो क्या आप लोगों की रैंक आई है, बताइए रैंक आप लोगों की क्या आई है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जो भी रैंक आई है वो आप लोगों की अच्छी है। आप लोग ये ना सोचा सर मेरी रैंक पीछे आई है, 2000 आई है, 4000 आई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने कितनी चीजें सीखी है डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था लास्ट में, मैं आप लोगों से दोस्तों कुछ समय के लिए चैट्स खोलूंगा, तो आपके जो भी मन में एक क्वेरी है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। पहले मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना दोस्तों, डेली सुबह 9:30 बजे वाईफाई स्टडी पे क्लास होती है, और दोपहर 1 बजे आप लोग की अनअकैडमी पर होती है। ठीक है, 11 जनवरी से सभी टॉप टीचर्स के टॉप बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन पे जुड़ के देखो, आप लोगों को पूरा कंटेंट मिल जाएगा 40,000 घंटे का, मतलब जो कोर्स हो चुके हैं ना वो भी मिल जाएगा आप लोगों को, जो कोर्स चल रहे हैं वो तो आप लोगों को मिलेंगे मिलेंगे, ये सारे कोर्स आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, इवन आपको टेट सीरीज में मिल जाएगी। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करोगे तो दोस्तों 12 महीने का 6500 का, नीरज 11 लगाओगे तो कितने का पड़ जाएगा? 5850 का। और दोस्तों अगर आप लोग रेलवे का चाहते हो, रेलवे का 12 महीने का 3000 का है, नीरज 11 लगाओगे तो कितने का पड़ जाएगा? 2700 रुपए का पड़ जाएगा। और एक जानकारी के लिए बता दूं, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लो आप लोग सभी में नीरज 11 कोड लगा सकते हो। अब आ जाओ दोस्तों, बताइए आपके मन में जो इच्छा थी।
ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? अप्रैल में होगा। सर हिंदी में टाइपिंग भी मिस्टेक रहता है, टाइम बढ़ा दीजिए। ठीक है मौसम जी, कल से आप लोगों को, अगर मुझे पता शायद एक दो क्वेश्चन मिस्टेक आ गई थी, तो आप लोगों को कल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार हिंदी के टाइपिंग में एक बार और चेक करवा दूंगा। ठीक है और बताइए सर, आप एनालिसिस कब करवाते हैं? दोस्तों वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल है, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, नीरज सर वाईफाई स्टडी ग्रुप करके टेलीग्राम ग्रुप है, तो क्लास से पहले वहां पर लिंक डाल देता हूँ। बाकी वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे होता है, रात को 11:30 बजे मैं एनालिसिस करवा देता हूँ, है ना। 11:30 बजे थोड़ा टाइम जल्दी मिले तो पहले भी डाल देता हूँ मैं। और बताइए सर, रात में विदाउट प्रकाश प्रकाश संश्लेषण कैसा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि सर आपने बोला है स्टोमेटा आप लोगों का खुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन रात को प्रकाश तो है ही नहीं, फिर प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? मेरे दोस्तों रात को प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, रात को केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड वो स्टोर कर लेता है, फिर सनलाइट की उपस्थिति में क्या हो जाएगा वो आप लोगों का, उसका फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, बस केवल एब्जॉर्ब कर रहा है आप लोगों का, अभी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा। ठीक है और बताओ सर, न्यूमेरिकल ज्यादा कराओ, सब कराने की टेंशन मत लो। सर एनटीपीसी का रिजल्ट कब तक आएगा? दोस्तों पहले जब सारे शिफ्ट के आप लोग के हो जाएंगे, पहले CBT 1 सारे हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों का आंसर की आएगी। ठीक है और देखो धीरे धीरे करो, RNA डिटेल्स में बता दो। RNA की दोस्तों जो चीज थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, और बाकी आप बताइए RNA के बारे में और क्या जानते हो, मतलब और क्या जानना चाहते हो? सर रेलवे DSSC, बेटा एक एक करके करो सर, साइंस की तबीयत सर, मॉर्निंग सर, कल अनअकैडमी क्लास नहीं हुई, हाँ कल नहीं हुई थी, कल तबीयत खराब थी, ग्रुप डी के लिए क्या करूँ सर, ये क्लास लो और एक सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पे लो। सर IB में साइंस आती है? बिल्कुल आती है, और जो आप लोग पढ़ रखे ये इम्पोर्टेंट, ये आप लोग का सफिशियंट है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेस्ट में टू डेज माई बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर। साइंस की थ्योरी क्लास लाए रेलवे के लिए, हाँ थ्योरी क्लास। बाकी मैं आपको बता दूं NTPC की जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी ना, वो सेम थ्योरी है आप लोग के ग्रुप डी के लिए, तो जो कुछ बोल रहे हैं सर ग्रुप डी के मुझे थ्योरी पढ़नी है, तो मैं आपको प्लेलिस्ट है आपके पास में पूरा NTPC मैंने पूरा पढ़ा रखी है, आप लोग देख सकते हो। वी वॉन्ट क्रैश कोर्स फॉर ग्रुप डी, ठीक है। वर्टिब्रेट स्पीसीज बताओ। दोस्तों आपको पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं किनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो उनको हम लोग वर्टिब्रेट बोल देते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट बोल देते हैं। सर फोर्थ फेज में न्याय मेरा आ जाएगा, टेंशन मत लो। एनिमल किंगडम पढ़ाओ यूट्यूब पर, ठीक है पढ़ा देंगे। सर सेकंड CBT कब होगा? CBT 1 एक बार पूरा निपटने दो। सर 15 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, मत बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो आप लोग सीखोगे। सर प्लांट एंड एनिमल किंगडम डाल दो यूट्यूब पे, डाल देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है डाल देंगे। कट ऑफ आ ही जाएगा यार, कट ऑफ की क्या पढ़ लो ना, अगर तुम्हारी पढ़ाई अच्छी से कर रही है, मेहनत कर रही है, कट ऑफ कितने भी जाए, 100 में से 299 जाएगी तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 100 में से 30 भी गए ना, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये कट ऑफ आप चिल्लाते रहते हो, क्या होता है कट ऑफ से, बेवकूफों की जैसे कट ऑफ दो कट ऑफ दो कट ऑफ दो, नहीं होगा भाई सिलेक्शन, लो कट ऑफ ये है कट ऑफ, नहीं होगा सिलेक्शन। और अगर मेहनत कर रखी है तो सिलेक्शन 100% होगा, कट ऑफ चाहे 70 जाए 75 जाए 80 जाए। सर CGL में साइंस आती है? हर एग्जाम में साइंस आती है। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कितना इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। PDF कल का सुबह 9:30 बजे की बोल रहा हूँ ना, तो कल वाली PDF में आज वाली क्लास में दे दिया मैंने ना, कल वैसे भी 4-5 क्वेश्चन करवा पाया था सुबह 9:30 बजे, तबीयत सही नहीं होने की वजह से। मोनेल और प्रोटेजोम बहुत कंफ्यूजन है, जब एनिमल के किंगडम पढ़ाऊंगा सारा दूर हो जाएगा। सर ग्रुप डी के लिए थ्योरी क्लास स्टार्ट होगी क्या? देखो थ्योरी अगर आपको पढ़नी है यूट्यूब पे, तो वो NTPC में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और एक ग्रुप डी के लिए एक क्रैश कोर्स आएगा, मतलब एक प्लस पे लेकर आऊंगा मैं ना, जिसे डेडिकेटेड केवल ग्रुप डी वालों के लिए होगा, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस थोड़ा अच्छे लेवल की आएगी, बिल्कुल अलग आएगी, तो वो जिनको थ्योरी पढ़ना है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है
स्टैटिक जीके मैं नहीं करवाऊंगा, मैं केवल साइंस कराऊंगा। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और स्टैटिक जीके के बहुत टीचर है आपको, मैं केवल साइंस पढ़ा रहा हूँ। अभी ग्रुप डी में भी साइंस आएगी 25 नंबर की, तो पहले भी आप साइंस पे फोकस करो। एक जना बोल रहा 14 नंबर कंफ्यूजन था, 14 नंबर क्या था अभी देख लेता हूँ मैं। वेट करिए, कौन सा था 14 नंबर, वेट करिए। पृथ्वी की सतह से 2R की दूरी पर है, तो क्या दिक्कत है उसमें? फॉर्मूला लगा लो भैया, GM बराबर R2 था जब पृथ्वी की सरफेस पे होगा, है ना, और जब केंद्र से दोस्तों आप लोगों का R और 2R 3R दूरी पर होगा, तो GM अपॉन 3R2 कर दो, ठीक है सर। MP पुलिस के लिए यूजफुल है नहीं है? आप देखो आपकी साइंस आती क्या एग्जाम में, जब आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में साइंस आती है नहीं आती, तो साइंस आती तो यूजफुल है, नहीं आती तो नहीं है यूजफुल। 3R कैसे किया दोस्तों? सरफेस से 2R दूरी थी, तो आप सेंटर से दूरी देखनी है हमेशा, सेंटर से, तो R+2R 3R हो गया ना। ग्रुप डी में भी कंप्यूटर आएगा कि 25 नंबर में केवल साइंस आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनवायरमेंट। कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूँ आपको क्योंकि अभी NTPC में आ रहे हैं ना, मतलब GK का पार्ट है ये आपका, है ना। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और देखो आज आप लोग का YouTube फेस्टिवल है, तो वाईफाई स्टडी YouTube चैनल पे मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो डालूंगा आप लोग के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो होंगे, आप लोग जरूर देखना उसको, है ना। बाकी मैं अपने टेलीग्राम पे ये सारी चीजें डाल दिया करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हाँ पटवारी के लिए भी सफिशियंट है, बाय बाय।